नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना मोर्चा खोली बैठी है। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों पर हमले की खबरें सामने आती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर के बरबर शाह में सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बरबर शाह में सुरक्षा बलों की पार्टी पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में 3 नागरिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घटना शाम 6 बजे की है और पुलिस ने कहा है कि ग्रेनेड जवानों तक नहीं पहुंच पाया और सड़क पर ही फट गया। घायल हुए 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक शहर के बारबरशाह इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 असैन्य नागरिक घायल हो गए। तो वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि क्राल खुद पुलिस थाना अंतर्गत बाबरशाह क्षेत्र में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त दल पर शाम 6 बजे के आसपास ग्रेनेड फेंका। अधिकारी ने बताया कि ग्रेनेड सड़क किनारे फट गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, उनमें से एक की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें सड़क पर सामान्य ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, तभी अचानक एक धमाका होता है। एक सीआरपीएफ जवान बंकर के पीछे छिपकर खुद को बचाता दिख रहा है। ब्लास्ट सड़क से गुजर रही एक महिला के बिल्कुल पास हुआ, यही महिला घायल हुई है। हालांकि हाल के दिनों में ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले पुलवामा के राजपुरा चौक पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम पर हमला कर ग्रेनेड भी फेंका था। इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ था, लेकिन आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की थी। हालांकि आतंकी हमला करके भागने में सफल हो गए थे। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के हाजीपुरा इलाके में शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि लश्कर के दूसरे आतंकवादी ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर कर दिया था। आतंकी के पास से AK-56 राइफल भी बरामद हुई थी। कुछ दिन पहले एक पुलिस अफसर जिनका नाम प्रवेश था, उनको भी दिन दहाड़े बाजार में गोली मार दी गई थी और भून डाला था गोलियों से। इन एक के बाद एक घौती घटनाओं को देखकर लगने लगा है कि आतंकी एक बार फिर से कश्मीर को आतंकियों का अड्डा बनाने की कोशिश करते हुए कश्मीर में अपनी एक बार फिर से पैड बनाने में छटपटा रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल ऐसा नहीं होने देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।